हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोस्ट और स्पीड पोस्ट पर। जो हम पार्सल बुक करते हैं उसे हम ऑनलाइन ट्रैक कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसकी जानकारी कैसे ले सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, मोबाइल हो चाहे डेस्कटॉप हो। इसमें आपको गूगल सर्च करना होगा, google.com आपको ओपन कर लेना है। यहाँ आपको सर्च करना होगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं सर्च बार पे जाके आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट। जैसे ही आप इंडिया पोस्ट यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ट्रैक कंसाइनमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे देख सकते हैं ट्रैक कंप्लेंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप कभी कंप्लेंट करते हैं तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें पार्सल को ट्रैक करना है तो हम कंसाइनमेंट पे ही ट्रैक करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कंसाइनमेंट नंबर आपसे पूछा जाता है। यह है कंसाइनमेंट नंबर दोस्तों, उस रिसिप्ट पे लिखा होता है। जब आप पार्सल बुक करते हैं तब वहाँ पे यह उस रिसिप्ट के ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ई से स्टार्ट है तो स्पीड पोस्ट है, यदि सी से स्टार्ट है तो यह रजिस्टर्ड पार्सल है। इसके बाद नीचे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ नंबर आपको एक इमेज में लिखा हुआ दिखाई देता हो दे रहा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें जो लिखा है सेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, लेकिन आप चाहें तो इसे पूरा टाइप ना करें और यहाँ से आप इसे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ से मैंने चेंज किया तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन किया गया 4-1, तो 4-1 तो हम यहाँ 3 टाइप कर देते हैं और सर्च पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सारी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप जैसे ही आप ट्रैक करते हैं कंसाइनमेंट नंबर डाल के, तो यहाँ देख सकते हैं एक एक आपको सब दिखा देगा कि कितनी तारीख को पार्सल कहाँ पहुँचा है। लेकिन दोस्तों हो सकता है आपका पार्सल मिस हो गया हो, लेट पहुँच रहा हो, टाइम लग रहा हो। इसके लिए दोस्तों मैंने ऊपर देख सकते हैं आई बटन पर लिंक दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं आपको कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है। क्योंकि आप कॉल करके कंप्लेंट करते हैं तो उस पर यह लोग जवाब नहीं देते और कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करनी होगी। यहाँ देख सकते हैं ट्रैक कंप्लेंट का ऑप्शन है, तो मैंने एक कंप्लेंट दर्ज की है। तो इसे हमें कैसे इस कंप्लेंट को हम मतलब ट्रैक करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कंप्लेंट नंबर यहाँ से हमारे से पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम कंप्लेंट नंबर डाल देते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ कंप्लेंट नंबर डाल देते हैं। इसके बाद सेम नीचे देख सकते हैं आप एंटर द सेकंड नंबर। तो यहाँ एक क्वेश्चन किया गया है, जो नंबर लिखा है इस इमेज में यहाँ से सेकंड नंबर 5 है, तो हम यहाँ पे 5 टाइप करेंगे और इसे हम सर्च कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हम डिटेल पे क्लिक करते हैं, नीचे डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको डिटेल्स पे क्लिक करना होगा कभी आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिखा रहा है कि हमारा पार्सल कंप्लेन दर्ज करने के बाद में सही जगह पहुँच चुका है। तो दोस्तों आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप भी कंप्लेन करना सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहा तो प्लीज़ लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नई वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जय हिंद।